वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एयर का प्रेशर कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। प्रेशर कोफिशिएंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके जरिए से हमें पता चलता है कि किसी फ्लूइड के अंदर यूनिट एरिया पे उस फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिकल में हम एयर का प्रेशर कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे कि जब हम एयर का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखेंगे। तो इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या एपरेटर चाहिए, यानी क्या चीज़ें चाहिए, और फिर इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे जिसके दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे जिनसे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में एयर के कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का प्रेशर कोफिशियंट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या एपरेटर चाहिए होगा। हमें जॉलीज एपरेटर चाहिए होगा जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये ऐसा एपरेटर होता है जिसके अंदर वुडन बोर्ड के ऊपर यूं एक ग्लास ट्यूब लगी हुई होती है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्लास ट्यूब है जो कि आगे से बेंड हो रही है और फिर यहाँ पे आके इसके साथ यहाँ पे ये रेड कलर का पाइप सा लगा हुआ है और इस पाइप के आगे दोबारा यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब है जिसे रिजर्वॉयर भी कहा जाता है और इस रिजर्वॉयर को हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ यहाँ पे एक मीटर रूल भी लगा हुआ है जिसकी वजह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं हाइट की। और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ग्लास ट्यूब के एंड पे एक ग्लास बल्ब भी मौजूद है जो कि एक सिलेंडर के अंदर मौजूद है। ये सिलेंडर भी यूज़ किया जा सकता है, इसकी जगह पे बीकर भी यूज़ किया जा सकता है प्रैक्टिकल के दौरान। इस पाइप के अंदर हम लिक्विड मर्करी को यूज़ करेंगे ताकि उसकी मदद से हम एयर के प्रेशर कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकें। तो इस एपरेटस के अलावा हमें चाहिए होगा थर्मामीटर, बीकर, और इनके अलावा हमें चाहिए होगा स्टैंड, स्पिरिट लेवल, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, बंसन बर्नर, स्टिरर। तो ये हमने देखा कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए होगा ये प्रैक्टिकल करने के लिए। तो अब हम इसके बाद प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। चूँकि हम मर्करी की मदद से एयर का प्रेशर कोफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मर्करी के यूनिट्स में ही लेंगे जो कि बनता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। इसके बाद हम स्पिरिट लेवल की मदद से जॉलीस अपरेटस को वर्टिकली सेट करेंगे, यानी कि स्पिरिट लेवल के अंदर एक लिक्विड होता है और उसके अंदर एक बबल सा मौजूद होता है। जब हम इस स्पिरिट लेवल को इस जॉलीस अपरेटस के ऊपर यहाँ पे रखेंगे तो अगर ये जॉलीस अपरेटस बिल्कुल वर्टिकली सीधा नहीं खड़ा हुआ होगा तो जो बबल है वो हमें इस जगह पे नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब हम जॉलीस अपरेटस को यहाँ पे स्क्रूज की मदद से सेट करेंगे तो हमें यहाँ पे इस सेंटर में एक बबल नज़र आएगा जिसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि अब जॉलीस अपरेटस बिल्कुल वर्टिकली सीधा खड़ा हो चुका है। इसके बाद हमने अपरेटस को इस डायग्राम के मुताबिक सेट कर लेना है, यानी कि बीकर के अंदर पानी डालना है और उसके अंदर जॉलीस अपरेटस के ग्लास बल्ब को डिप कर देना है। साथ ही साथ इस बीकर को हमने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गॉज रख के उसके ऊपर इस बीकर को रखना है और नीचे हमने बंसन बर्नर को रख देना है। अभी बंसन बर्नर को हमने ऑन नहीं करना और साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंड के साथ हमने थर्मामीटर को लटका देना है जो कि इस पानी के अंदर डिप हो रहा हो। इसके बाद हमने जॉलीस अपरेटस में यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जहाँ पे ये बेंड आ रहा है इसके नीचे कहाँ पे हमारे पास मरकरी का लेवल है। फॉर एग्जांपल मरकरी यहाँ तक फिल हुआ हुआ है तो हमने इस लेवल पे एक लाइन लगा देनी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ए, और वहाँ पे हमने स्केल की मदद से देखना है कि हमारे पास क्या रीडिंग आ रही है इस पोजिशन की। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे नोट कर ली है जो कि मेरे पास है पोजीशन ऑफ मर्करी लेवल इन क्लोज ट्यूब, जिसको मैंने ए से डिनोट किया है और वो मेरे पास आई है 38 सेंटीमीटर। साथ ही साथ मैंने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि स्मॉल पी भी यहाँ पे लिख लिया है, यानी कि स्मॉल पी से इसको डिनोट किया है जो कि 76.9 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। एच जी यहाँ पे मर्करी का सिंबल है तो यह है 76.9 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अब इसके बाद हमने बंसन बर्नर को ऑन करना है और पानी को गर्म करना है यहाँ तक के उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हम उसको गर्म करें और उसके बाद हमने बर्नर को ऑफ कर देना है। जब हमने बंसन बर्नर को बंद कर दिया तो इसके बाद पानी को हमने कॉन्स्टेंटली स्टेयर करते जाना है स्टेयरर की मदद से और फिर कुछ देर तक हमने इंतज़ार करना है यहाँ तक कि पानी का जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए। अब होगा क्या कि जब पानी का टेम्परेचर कम होगा तो इस ग्लास बल्ब के अंदर मौजूद जो हवा है वो टेम्परेचर कम होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मर्करी का लेवल है वो अपनी पोजिशन से ऊपर की जानब जाएगा, यानी कि जो ए पोजीशन थी। अब हमारे पास जो ये वाला
ग्लास ट्यूब है यानी कि जो रिजर्वॉयर है, इसकी पोजीशन को हमने ऐसे चेंज करना है कि मरकरी का ये वाला पॉइंट दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन यानी कि 38 सेंटीमीटर पे आ जाए। और जब हमारे पास वो 38 सेंटीमीटर पे आ जाएगा ये रिजर्वॉयर हिलाने से, तो उस पोजीशन पे हमने इसको फिक्स कर देना है। और फिर देखना है कि हमारे पास इस रिजर्वॉयर यानी कि इस ओपन ट्यूब की तरफ मरकरी का क्या लेवल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लेवल बन रहा है, तो हमने इसको नोट कर लेना है स्केल की मदद से कि हमारे पास क्या पोजीशन आ रही है, और उसे हमने B से डिनोट करना है। तो मैंने इस वैल्यू को यहाँ टेबल में नोट किया है कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मेरे पास मर्करी लेवल जो रिजर्वॉयर में आया है उसे मैंने B से डिनोट किया है, जो कि 62.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थर्ड कॉलम में मैंने A और B लेवल्स के दरम्यान में डिफरेंस को कैलकुलेट किया है, जो कि है B माइनस A, तो उसका मेरे पास आंसर आता है 24.1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने बल्ब के अंदर मौजूद एयर का प्रेशर कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल P इक्वल्स टू स्मॉल P, जहाँ पे स्मॉल P स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर को शो कर रहा है, प्लस H, और H A और B लेवल्स के दरम्यान में डिफरेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट किया, तो मेरे पास बल्ब के अंदर जो मौजूद एयर का प्रेशर है वो आ रहा है 101 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब इसके बाद जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर लो होता जाएगा, तो हमने कन्वीनियंट टेम्परेचर्स पे मिसाल के तौर पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी तरह से मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे हमने उसी तरह से मेथड को रिपीट करना है कि मर्करी के लेवल को ए पोजीशन पे लाना है, और उसके लिए हम रिजर्वॉयर को ऊपर नीचे करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास कहाँ पे मर्करी का लेवल ए पोजिशन पे आ गया है, तो वहाँ पे हम पोजिशन बी को नोट करेंगे। तो यहाँ पे टेबल में मैंने मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे जब बी पोजीशन को नोट किया, तो वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं और फिर कैलकुलेशंस की। तो एंड पे जो हमारे पास बल्ब के अंदर मौजूद एयर का प्रेशर आता है उसको भी मैंने कैलकुलेट करके इस टेबल में लिखा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो बल्ब के अंदर जो मौजूद एयर है उसका प्रेशर भी कम होता जा रहा है। वो इस वजह से है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो उसकी वजह से जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशंस भी कम होने लगती हैं, यानी कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से यूनिट एरिया पे कम फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है, यानी कि प्रेशर कम होने लगता है। तो यहाँ पे मैंने पानी के टेम्परेचर और बल्ब के अंदर मौजूद एयर के प्रेशर कैपिटल पी के दरम्यान में ग्राफ प्लॉट किया है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया है और वन बॉक्स इक्वल है 5 डिग्री सेंटीग्रेड के, और वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर को लिया है जिसमें वन बॉक्स इक्वल है 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने वैल्यूज को प्लॉट किया तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह का ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, जिसको मैंने आगे भी एक्सटेंड किया और पीछे भी एक्सटेंड किया, जिसकी मदद से अब मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे प्रेशर को मेजर कर सकती हूँ। तो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे तो मेरे पास प्रेशर पी बन रहा है 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, और यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करने के लिए प्रेशर को मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो मेरे पास प्रेशर बन रहा है वो बन रहा है 102 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे हमारे पास जो ग्लास बल्ब के अंदर मौजूद एयर का प्रेशर है उसे मैंने पी नॉट से डिनोट किया है, जो कि 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे हमारे पास जो ग्लास बल्ब के अंदर मौजूद एयर का प्रेशर है उसे मैंने P100 से डिनोट किया है, जो कि 102 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अब यहाँ पे प्रेशर कोफिशियंट को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है P100 माइनस P0 डिवाइडेड बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाई P0। ये सिर्फ 100 नहीं है बल्कि ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट की तो मेरे पास प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू आती है 0.0036 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यह है कि अगर एयर के कांस्टेंट वॉल्यूम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो, तो उसका प्रेशर ओरिजिनल प्रेशर के मुकाबले में 0.0036 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रैक्टिकल अच्छे समझ आ गया होगा, जिसमें हमने एयर के कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर कोफिशियंट फाइंड आउट किया है।